अगर यार ये बारी होता तो मैं चढ़ती ना सांड के ऊपर अशोक गहलोत पे बाटा ख्याल गोबर में थड़ना और मर्चा गालती भी गया तो मर्चा गालते भी गया क्या मैं वो बिजली फ्री करेगी मना बताओ अशोक गहलोत फोन करी करियो तो मैं क्या रुपया 5 लाख कड़े मंदिर में ला बिजली फ्री करियो तो बताओ मन को राजस्थान को आप भी सुनते हुए कड़े मंदिर में बिजली फ्री करियो तो मैंने बताओ और किसान ने कोई ने लोन दियो तो मैंने बताओ बताओ कोई किसान लोन दियो फ्री किसान ने लूट उठा गयो बिजली मामला में लूट उठा गयो किसान ने लोन दियो तो मैं दियो रुपया 10 लाख कल गए नहीं कि आप ज्ञापन देने उनको अगर किसान ने कड़े लोन दियो तो मैं दू 10 लाख किसान ने तो खाइयो लूट उठा फ्री करियो तो मैं दू 20 लाख वो तो सिर्फ मदरसा मेरे मस्जिद का मैं करिए मुंडा पर क्यों मारो कराती जो मटर मनु गायों का पास चाहिए और किसान का लार है ठीक है तो लाइटें फिर नहीं करी खाद्यो किसान ने अब वोटा टेम आ गई मैं तो फोकट को मोबाइल दे दे कोई आम जनता मत लीजो और ले लीजो और वोट भी ना शींगड़ो दीजो मोबाइल जगह देवेगी फ्री ले लीजो और शींगड़ो दीजो और सीट पर बिठा दियो फोन भी ले लीजो और सीट पर बिठा दियो मारा मेला ने बिखेर दियो वो बेटा मान जा मम्मी नहीं कर हाँ तो यहाँ ने और चूतिया बना रही है लोगा ने अब अटे तक घाट पर बढ़ते हो घाट पर बढ़ते हो मनो तो किसान पाचे मनु या मरता गाल मारी बसंतरा चोटी जो मारो गाड़ खुदा की उसकर गाड़ खुदा की मारी बसंतरा पासी आवे और क्या आवे मारो हनुमान बीनीवार क्या आवे मारो नारायण बीनीवार और अच्छो क्यों गेलो उसको तो लूम मैं पल्लो बर्गर वाले अच्छो क्यों गेलो का क्यों रे जनता न रे मैं ले वो सबर लीजो पुष्कर राज खबर है मैं ले वो सबर तेजो जी लीजो खबर आप कल मिले नहीं क्या अशोक गहलोत से मैं तो काली झंडी दिखाई भैया काली झंडी दिखाई मैंने अच्छा अशोक गहलोत को काली झंडी दिखाई अशोक गहलोत की क्या पहचान ऊपर चड्डी नीचे बरियान अशोक गहलोत पालका की क्या पहचान ऊपर चड्डी नीचे बरियान मूली बेचे गाजर बेचे पालक ले लो पालक अशोक गहलोत को काम है लो का मूली पाल को गाजर यार का हाल है मैं डरबाड़ी को नहीं किसान ने ले बेटे वो पीटिया को मेड़ो चल रहा है पीटिया को बरसा अब तो भी मैं लकुआ बड़वा चिंता मत करो यहाँ चाली बूटा चल बाबा केतु दास बाबा जोड़ू तेने ये हाल हो बड़ा है कट्टा तन की गाड़ लगी मैंने ग्वाल की लगी तन की धाव की और अब तीर्थ स्थान है गुरु को गुरु पुष्कर राज कोरोना खुलता ही उर्स क्या चलाया बो हाँ जरा मानती हो दुनिया ने एक सार कौन मानी अब अटे थारा गटिया चाल रही है अटे किशोर एक स्थान पाकिस्तान है किसी पिक्चर बनी चूतिया बना बना रहे ड्राइवर चबन्ना और ले ले रहा लोगन बड़े पिक्चर बनी बड़े रेगिस्तान पाकिस्तान है पाकिस्तान तो जैसलमेर में है और कच्छ भुज में अटे खटे है अटे जिलो अजमेर है वाया पुष्कर राज है हाँ 14 किलोमीटर है पुष्कर से अजमेर यूट्यूब पर बोलो जिला अजमेर वाया पुष्कर राज हाँ अरबी को काजीपुराड़ा को बेटो मरियो हाँ अरबी की बाप पोती मरी अरबी का सोचो रुड़ गया उन धनी है थारा तो चार धनी हो चार हाँ बिका टापर रुड़ गया अरबी का औलाद रुड़ गई हाँ 12 दिन बैठ रो ले पते पति का यहाँ का टापरे का जमीन का बच्चा का हाँ तो बताओ मुझे
तो गाइस ये थे सुशीला किन्नर जो कि यहाँ पे आई है और मतलब सरकार को तो बड़ी खड़ी कोती सुना रही है सुशीला किन्नर। तो कल भी मैंने इनका ब्लॉग बनाया था और आप यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इनके ब्लॉग्स देख सकते हो, ट्रेंडिंग में रहते हैं इनके ब्लॉग्स वगैरह और काफ़ी फेमस है पुष्कर के अंदर। कंट्रोवर्सी ये करते रहते हैं ऐसे, और जो कि आप देख रहे हो ये अभी बोल रहे हैं कि पुष्कर मेले को ख़राब कर दिया ऐसा वैसा, अभी आपने सुना ही होगा देखा ही होगा। तो ये ऐसे वीडियोस वगैरह इनकी बहुत सारी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, मैंने भी बनाई है क्योंकि यार यही चल रहा है अभी यूट्यूब पे, यही चल रहा तो मैंने भी ये वीडियो बनाई है इनकी। तो ये भाई मांग रहा 10 रुपये, कोई है इसको 10 रुपये देने वाला? कमेंट करके बताओ अगर इसको कोई 10 रुपये देने वाला है तो। भाई कमेंट करो इसको 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये ये रोज मांग रहा है मेरे से 10 रुपये। मेरा पीछे छोड़ दे यार, कौन से ले? बुआ जी से, बुआ जी होते ही बुआ जी आई है या बुआ जी से ले। तो यही था यार, मैं वापस इधर आया हूँ पशु मेले की तरफ। भाई हड़िया ट्रैक्टर आ रहा है। तो गाइस यही था, मैं वापस पशु मेला देखने आया था, यहाँ पे एनिमल फेयर लगा हुआ है, मोतीसर एक गांव है वहाँ पे पुष्कर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे सुशीला किन्नर दिखी तो मैं सोचा वीडियो बना ही दो यार, डाल ही दो वीडियो बना के। तो चलिए यही था वीडियो में दिखाने के लिए यार, वही है जो कल इन्होंने बात की थी वही आज बात करी है कि वो एक तो ये मेले को ख़राब कर दिया। अरे गवर्नमेंट की गाइडलाइन यार, उसको फॉलो करना पड़ेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला है उसको राज्य सरकार को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कि मेला इस बार क्या एनिमल फेयर नहीं लगा तो ये बोल रहे हैं कि मेले को ख़राब कर दिया ऐसा ऐसा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।